हेलो एवरीवन, मैं हूँ बीना और टंगी किचन में आपका स्वागत है। आज हम मैंगो फ्रूटी बनाएंगे जो कि बच्चों की फेवरेट रहती है। मैंगो फ्रूटी को हम घर पर ही आसानी से मार्केट जैसे बना सकते हैं। मैंगो फ्रूटी में दो इंग्रेडिएंट से ही हम मैंगो फ्रूटी घर पर बना के तैयार कर सकते हैं। ये बिल्कुल बाजार जैसी बनती है, तो आप इस रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई कीजिए। चलिए हम मैंगो फ्रूटी बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंगो फ्रूटी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कच्चा आम और दो पके हुए आम लिया हुआ है, एक कप शक्कर और 1 लीटर हम पानी लेंगे। तो चलिए हम फ्रूटी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आम को छील के तैयार करेंगे। अब पका हुआ आम को भी हम छील के तैयार करेंगे। आम को मैंने छील के तैयार किया हुआ है। अब आम के हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट करेंगे। पक्का आम को मैंने काट के तैयार किया है। अब हम कच्चे आम को भी छोटे छोटे टुकड़े में काट के तैयार करेंगे। अब हम आम के टुकड़ों को बॉईल करेंगे। मैंने सारे आम को टुकड़ों में काट के तैयार किया हुआ है। आम को बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ पर कुकर लिया है और कुकर में हम काटे हुए आम को डालेंगे और 1 ग्लास पानी डाल के ढक्कन को बंद करेंगे। कुकर का ढक्कन बंद करके हम 4 विसल आने तक आम को पकाएंगे। 4 विसल आने के बाद हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे। 4 विसल आने तक हम शुगर सिरप बना के तैयार करेंगे। शुगर सिरप बनाने के लिए मैंने पैन को गैस के ऊपर रखा है और 1 ग्लास पानी डाला है। अब हम इसमें मैंने पानी में शक्कर डाली है और शक्कर को घोलने तक ही हम पानी को गर्म करेंगे। हमें इसमें किसी भी प्रकार का तार नहीं चाहिए, हमें सिर्फ शक्कर को घोलना है। शक्कर को हम पानी में ऐसे हिला देंगे ताकि शक्कर है वो जल्दी से पिघल के पानी में मिक्स हो जाए। 4 विसल आ गई है। गैस का फ्लेम हम बंद करेंगे और कुकर को हम बिल्कुल ठंडा होने के बाद हम खोलेंगे। शक्कर है वो बिल्कुल मेल्ट हो गई है, तो गैस का फ्लेम हम बंद करेंगे। हमें सिरप में एक भी तार नहीं लाना, पर ओनली शक्कर को मेल्ट करना है। तो गैस को हम बंद करेंगे और सिरप को भी ठंडा होने के लिए रख देंगे। कुकर ठंडा हो गया है, कुकर का प्रेशर अपने आप निकल गया है। अब हम कुकर को खोलेंगे और पके हुए आम को हम मिक्सी के जार में डाल के इसे अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे। हमें इसका बिल्कुल अच्छा पेस्ट चाहिए, तो हम इसे ग्राइंड अच्छी तरह से करेंगे ताकि इसमें मैंगो का एक भी टुकड़ा ना रहे। मैंने आम के टुकड़ों को मिक्सी के जार में पूरा अच्छी तरह से ग्राइंड करके तैयार किया हुआ है। इसकी बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना के तैयार की हुई है। अब इसे हम छानेंगे। अब इसे हम छन्नी में छान लेंगे ताकि इसमें कोई मैंगो का टुकड़ा या फिर रेशा रह गया हो तो वो निकल जाए, क्योंकि फ्रूटी में मैंगो का रेशा या फिर टुकड़ा है वो पीने में आए तो वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम इसे अच्छी तरह से छान लेंगे। मैंने मैंगो पल्प को अच्छी तरह से छान लिया है। अब इसमें हम तैयार किया हुआ शुगर सिरप डालेंगे और इसे अच्छी तरह से हिला के तैयार करेंगे। मैंने सिरप डाल के इसे हिलाया है, पर फ्रूटी है वो थोड़ी सी ठीक लग रही है, तो इसमें हम और थोड़ा पानी डालेंगे। शक्कर आप अपने मैंगो के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर खट्टा मैंगो हो तो आप ज़्यादा शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं, और स्वीट मैंगो हो तो कम शक्कर भी हम डाल के इसे फ्रूटी बना सकते हैं। पानी अभी और थोड़ा डालेंगे क्योंकि थोड़ी फ्रूटी है वो ठीक लग रही है। फ्रूटी है वो तैयार है। फ्रूटी को अब हम 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे और फिर उसे ठंडा करके फिर इसका मज़ा लेंगे। 2 घंटे हो गए हैं, फ्रूटी है वो बिल्कुल ठंडी होकर तैयार है। फ्रूटी को हम सर्विंग जार में निकालेंगे और ग्लास में इसे सर्व करेंगे। फ्रूटी को मैंने सर्विंग ग्लास में निकाल के सर्व किया है। ठंडी ठंडी फ्रूटी पीने के लिए तैयार है। आप इस रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कॉमेंट में फीडबैक दीजिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे और भी नए वीडियो देख सकें। दोबारा हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।